जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से आज की नए क्लास में हार्दिक स्वागत है। सो, आज पूरे हिमाचल में HPPSC के द्वारा PGT हिंदी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। काफी अच्छे लेवल का एग्जाम था, पेपर 1 पेपर 2, जो कि सुक्खू सरकार के द्वारा सुजेस्ट किया गया था कि जितने भी एग्जाम है पेपर 1 पेपर 2 के अकॉर्डिंग होंगे, उनके अकॉर्डिंग आज पूरे हिमाचल में पहला PGT हिंदी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 7 अप्रैल 2024 का। तो इसकी साइकोलॉजी के आंसर की के साथ में आप सभी के सामने यहाँ पे आ चुका हूँ। पेपर 1 की कंप्लीट आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे गए थे उनको जल्दी से एक बार डिस्कस करते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कितने आपके क्वेश्चन राइट आंसर हैं। तो हिंदी में इसको डायरेक्ट रीड करेंगे, आप क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैन ज्ञान मीमांसा ज्ञान के 5 चरणीय पदानुक्रम पर विचार करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित क्रम है, ये आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सिद्धांतों से संबंधित है, जो सिद्धांतों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी नॉलेज इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 था, ये किसने कहा था, शिक्षा मनुष्य निर्माण है और वे चरित्र बनाता है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विस्तार होता है जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। 3 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था, विवेकानंद जी के द्वारा ये कहा गया था। क्वेश्चन 4 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सबसे कथन जो है वो सत्य है, ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया था, सत्य यहाँ पे पूछा था आपको, कौन सा इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जिसमें बताया गया था सेकंड 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड 3 और 4, दुख ही सभी कष्टों का मूल कारण है, जन्म और मृत्यु क्लेश का कारण है, सांसारिक कार्य में उलझना सभी परेशानियों का कारण है। तो ये तीनों इसके राइट आंसर थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन था, जिसमें कौन सा संयोजन शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही कारण बताता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी यहां पे राइट आंसर रहेगा, दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में मदद करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है, तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, मूल्य व्यक्ति परप और व्यक्तिगत, वैल्यू आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गांधीवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या था, 7th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मनुष्य की उन्नति, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1964 में दिया गया था, कोठारी कमीशन के द्वारा, ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना था कौन सा संयोजन भारत में शिक्षा की प्रगति को धीमा कर देता है, तो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें 2nd, 4th, 5th और 6th ये ऑप्शन थे, एक क्षेत्रवाद था, उसके बाद 4th जातीय था, देन 5th एंड 6th स्कूलों में प्रशिक्षण पर कमजोर, स्कूलों में ICT संसाधनों की कमी, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत नहीं है, जो हमारी करंट की साइकोलॉजी की पेड क्लासेस चली हैं उसमें भी क्वेश्चन ये डिस्कस करवाए गए थे आपको, जो 10th का राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, सामान्य प्रतिक्रिया की ओर आगे बढ़ने का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता है, स्पेसिफिक टू जर्नल। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान तब मिला जब अपने बाथ टब में थे, तो ये किस चरण में आएगा, सृजनात्मक क्रिएटिविटी ये जो है वो किस स्टेप में इसको काउंट किया जाएगा, 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इल्यूमिनेशन रोशनी। अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद के प्रणेता कौन है, फंक्शनलिज्म किसके द्वारा दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, विलियम जेम्स करवाया गया क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन था, स्थिर शिक्षण के लिए सीखने के संचालन कंडीशनिंग सिद्धांत के अनुसार सबसे प्रभावी सुदृढ़ीकरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी रहेगा, वेरिएबल रेशो रेइनफोर्समेंट परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण। अगला है, हल्के रेइनफोर्समेंट थ्योरी का क्वेश्चन था, तो किसे हस्तक्षेपता के चर में जो है वो प्रतिपादित किया गया था, इसका राइट आंसर रहेगा,
क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी एक्सटर्नली पोटेंशियल उत्तेजक क्षमता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 था रोशा इंट्राब्लॉक टेस्ट में क्या शामिल होता है। 15 का ऑप्शन सी 5 काले सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, टेस्ट से रिलेटेड ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा एक रक्षा तंत्र नहीं है, रक्षा तंत्र नहीं है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा एसोसिएशन, यानी कि रिलेट करना, ये रक्षा तंत्र नहीं है। अगला है 17 क्वेश्चन इंटर्नशिप कार्यक्रम सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। 17 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के छात्र शिक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18 था भारत में स्कूली शिक्षकों के व्यवसाय विकास के लिए कौन सी संस्था सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9 था एसएससी से रिलेटेड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो जल्दी से कॉमेंट करके बताएं कितने आपके सही आंसर है। थैंक यू।